In modern times, credit creation is one of the essential functions of commercial bank. In modern times, banks not only make transaction but also creates credit. According to Sayers, banks are not merely surveyors of money but also manufacturers of money. In simple language, जो commercial banks हैं वो credit create करते हैं, ठीक है, और जो central bank है RBI वो control करता है. तो अब कमर्शियल क्वेश्चन क्या आता है कि कमर्शियल बैंक जो आपका क्रेडिट है वो क्रिएट कैसे करता है, ठीक है. तो वो इस मेथड से होता है. देखो, प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक होता है, और डिराइव्ड डिमांड डिपॉजिट होता है. डिराइव्ड डिमांड्स को क्रेडिट डिपॉजिट्स भी कहते हैं, ठीक है. अब पहले तो ये समझेंगे कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, डिराइव्ड डिपॉजिट क्या होता है, उसके बाद हम रिलेशन समझेंगे कि इन दोनों का बैंक से क्या रिलेशन होता है. तो नंबर वन इज प्राइमरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट्स विच पीपल डिपॉजिट इन कैश इन देयर अकाउंट्स विद द बैंक. In other words, cash deposit received by the bank from the public are called primary deposits. For example, if a customer of a bank, Mr. Dinesh, deposit 10,000 in cash in his saving account or other account with State Bank of India, these 10,000 becomes the primary or cash deposit for the state of the bank. आप इसको एक example समझो कि समझो एक person है दिनेश, वो SBI bank का customer है, यानी कि SBI में उसका account है. तो SBI क्या हो गया, SBI हो गया आपका कमर्शियल बैंक, ठीक है, और वो मिस्टर दिनेश उसका हो गया कस्टमर. तो उस कस्टमर ने बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए. तो कस्टमर जब अपने खाते में, अपने अकाउंट में एक सम ऑफ अमाउंट्स डिपॉजिट करता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट. तो यहाँ पे ये 10,000 क्या है, ये है प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है. तो ऐसी डिपॉजिट, ऐसा सम जो कस्टमर अपने अकाउंट में, अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट. अब डिराइव डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट से ही निकाला जाता है. व्हेन द बैंक गिव्स लोन टू अ पर्सन, इट डिपॉजिट दैट सैंक्शन अमाउंट इन हिज अकाउंट एंड सच अमाउंट इज टर्म्ड एज डिराइव डिपॉजिट. डिराइव डिपॉजिट आर द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट बिकॉज बैंक ग्रांट्स द लोन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइमरी डिपॉजिट. Thus, derived deposit are also called credit deposit. ठीक है, derived deposit क्या होता है कि suppose करो आपने आपने 2,000 रुपये अपने account में डाल दिए, ठीक है. तो 2,000 रुपये आपने डाल दिए, ये example दे रही हूँ मैं. तो ये 2,000 क्या हो गया आपका primary deposit, ठीक है, ये 2,000 आपका हो गया primary deposit. इसके बाद बैंक क्या सोचता है कि अगर किसी कस्टमर ने 2,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो इसका मतलब कुछ वक्त तक तो वो उस बैंक में रहेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो 2,000 के 2,000 रुपये वो उसके बाद निकाल दें. तो इसमें से कुछ वो पर्सन बैंक अपने पास सेव कर लेता है. उस जो जिस पर्सन से वो अपने पास सेव करता है उसको बोलते हैं CRR या SRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो. वो कुछ परसेंट होता है वो अपने पास रखते हैं. सपोज करो 2,000 से 200 उसने अपने पास बैंक में सेव करके रख दिए, तो बचा कितना, 2,000 में से 200 अगर बैंक में रख दिए तो बचा कितना, 1,800, ठीक है. तो ये 1,800 रुपये वो बैंक क्या करेगा, किसी थर्ड पर्सन को एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा अगर किसी को ज़रूरत है तो. तो ये जो 18% है वो जो किसी और को उसने लोन के लिए प्रोवाइड कर दिए, दैट अमाउंट इज़ known as derived deposit. अब आपको समझ आया मैंने क्यों बोला कि जो derived deposit है वो आपके primary deposit से ही निकलता है, क्योंकि जो amount हम bank में deposit करते हैं that amount is primary deposit. फिर उससे कुछ percent bank अपने पास save कर लेता है, that is वो SSR और CRR की ratio में निकलता है, ठीक है. उसे save करने के बाद
जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है जो किसी थर्ड पर्सन को लोन के लिए ग्रांट कर सकता है, दैट अमाउंट इज नोन एज डिराइव्ड डिपॉजिट। अब क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे है? वैसे तो मैंने इन शॉर्ट आपको ये चीज समझाई दी है, ठीक है। ये जो मैंने आपको समझाया इसे मान लो प्राइमरी डिपॉजिट सपोज करो 10,000, ठीक है, और बैंक कह रहा है कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इसमें 10% है, ठीक है। तो किसी एक ए पर्सन ने 10,000 डिपॉजिट किए बैंक में, तो ये 10,000 हो गया आपका डिमांड प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। अब इस 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब है इस 10,000 में से 1,000 रुपीज़ है जो ये बैंक अपने पास सेव कर लेगा, ठीक है। अब इसमें से लेस कर दो, 10,000 में से 1,000 निकल गए तो 9,000, ये 9,000 रुपीज़ बैंक क्या करता है, लोन के लिए ग्रांट कर देता है आगे थर्ड पर्सन को। तो ये 9,000 क्या हो गया, ये 9,000 हो गया आपका डिराइव डिपॉजिट, ठीक है। सिमिलरली अभी ध्यान देना, ए ने दिए बैंक को सबमिट किए 10,000, जिसमें से 10% उस पर 1,000 रुपीज़ आया जो बैंक ने अपने पास सेव कर लिया, और 9,000 बी को एज अ लोन प्रोवाइड कर दिया। अब देखना, अब बी को लोन प्रोवाइड कर दिया 9,000, ठीक है। बी ने क्या किया, बी कहीं और गया, उसने एज अ चेक किसी थर्ड पार्टी को पे कर दिया। तब वो जो थर्ड पार्टी है सी, वो बैंक में गया, उसने बैंक में अपने 9,000 डिपॉजिट कर दिए। तो अब 9,000 सी के लिए क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि वो चेक मिला और उसने चेक अपने अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो ये 9,000 उस सी के लिए क्या हो गया, 9,000 सी के लिए है प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक फिर से क्या करेगा, अब बैंक फिर से क्या करेगा, 9,000 का 10% होता है 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ बैंक अपने पास सेव कर लेगा, और इसके बाद जो बचा, कितना बचा, 8,100, ये वो नेक्स्ट आगे किसी और को एज अ लोन में दे देगा। सपोज करो हम सीरीज कर रहे थे, ये सी का पैसा था, अब इसने डी को ये लोन पे दे दिया, तो डी को लोन पे दिया, डी ने वो किसी और को पे कर दिया, और अब उसने ई को पे कर दिया, ठीक है। अब ई ने क्या किया, ई बैंक के पास गया, बैंक ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, कितना किया, 8,100, ठीक है। अब 81 उसके लिए क्या हुआ, ई के लिए 8,100 हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक क्या करेगा, 8,100 का 10% निकालेगा, तो 810 फिर जो बचेगा उसको आगे किसी और को लोन पे दे देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ए से बी, बी से सी, इस तरीके से वो बैंक प्रोवाइड करता रहता है। तो बैंक कब तक करेगा, तो जो पहला इंसान था जिसने 10,000 डिपॉजिट किए थे, जब तक इसका मल्टीप्लायर ना हो जाए वो तब तक करेगा। अब पहली बात है कि मल्टीप्लायर निकलता कैसे है, तो देखो हमने 10% CRR निकाला था ना, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/CRR, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/ कितना है, 10%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/10, 10, 10, तो टोटल कितना आ गया, 10। तो मल्टीप्लायर कितना आ गया, 10 times, मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में निकलता है, तो ये निकल कितना आया, 10 times, ठीक है। 10 times का क्या मतलब है, कि जो फर्स्ट प्राइमरी डिपॉजिट थी 10,000 रुपीज़, ये 10,000 जब तक कि मल्टीप्लायर ना हो जाए, कितना आया था, 10 times, ये 10 times तक ना हो जाए, 10,000 का 1,00,000 ना बन जाए, तब तक ये करते जाएंगे, ये देते जाएंगे, ये लोन पे प्रोवाइड उन्हें किसी अगले पर्सन को, फिर किसी और को देते जाएंगे, जब तक ये 10 times ना हो जाए, ठीक है। अब जो आपकी बुक में एग्जांपल है उससे समझते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया, मैंने 10% लिया था, यहाँ इन्होंने 20% लिया है, ठीक है। सम अमाउंट कितना है, 10,000 है,
तो इनका जो 22,000 रुपीज़ है बैंक अपने पास रख लेगा, जो 8,000 बचे वो किसी और को लोन पे देगा। तो ये आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ इन शॉर्ट इस टेबल से समझाने की कोशिश करूँगी। देखो पहले 10,000 रुपये किसी को किसी ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, जिसमें से उन्होंने 20% CRR लगा के 2,000 सेव किए, जो बचे उसको बी को लोन दे दिया। फिर इस बी ने अपने अकाउंट में डाला 1600 बैंक में रखा, फिर बचा 6400 ये किसी और को लोन पे दे दिया। फिर 6400 का 20% 1280 है, इससे जो बचा 5120 ये किसी और को बैंक ने दे दिया। इसी तरीके से प्रोसेस चलता जाता है कब तक, जब तक कि देखो अब यहाँ पे इन्होंने 20% लिया था तो मल्टीप्लायर निकाल दो। मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, 1 अपॉन 20% तो ये हो जाएगा कितना, 100 अपॉन 20 2 5। तो आंसर क्या आया आपका, मल्टीप्लायर कितना निकला, 5 times। ठीक है, यानी कि ये जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट स्टार्टिंग में किया था इससे इंटू 5, जब तक ये 5 times ना हो जाए तो 10,000 × 5 कितना हो गया, 50,000। तो जब तक ये अमाउंट 50,000 नहीं बन जाता तब तक ये इस तरीके से लोन देते रहेंगे, और इसी तरीके से ये जो 2,000 बैंक ने सेव किए थे ये इंटू 5, ये जब तक 10,000 ना हो जाए बैंक के पास तब तक ये लोन देता रहेगा। और ये डिराइव डिपॉजिट 8,000 × 5, 8 × 5 = 40, जब तक ये 40,000 ना बन जाए तब तक लोन इसी तरीके से देता रहता है, और इसी तरीके से क्रेडिट क्रिएट होता है, बैंक इसी तरीके से पैसे क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जैसे 20% लगाया था तो किस तरीके से निकलेगा, 1 अपॉन CRR, 1 अपॉन 20%, देन 20% का क्या होगा, 100 अपॉन 20, देन 25, तो ये 5 times आपका आंसर आ जाएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। इस तरीके से बैंक पैसा क्रिएट करता है। इसके बाद जो लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है ये आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं आता। मेन फोकस होता है इस चैप्टर से, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी चैप्टर से है, ये जो जितना भी हमने पढ़ा है ना, मनी हो उसके मनी के बाद हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा और अब हम सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे, ये सभी मनी एक ही चैप्टर है, मनी चैप्टर ही है जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो सबसे पहली बात, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज द एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स एज अ पिवट फॉर द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द इकॉनमी। सेंट्रल बैंक एज एन एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली प्लेज द लीडरशिप रोल इन बैंकिंग सिस्टम बट पुट्स अ कंट्रोल ऑन कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स फ्रेम्स एंड एग्जीक्यूट्स द मॉनिटरी पॉलिसी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकॉनमी। तो सेंट्रल बैंक एकमात्र ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो बाकी चीज़ों को, बाकी कमर्शियल बैंक को मॉनिटर करता है। ठीक है, इंडिया में एक जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। ठीक है, ये एक मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है। मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आपके मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स के मॉनिटरी सिस्टम है वो मॉनिटर किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा। इसी के अलावा इसके और भी फंक्शंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है। ठीक है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। So, definition of central bank is, central bank has one function, it operates to control economy, supply of money and credit. देखो अभी हमने first में supply of money भी पढ़ा था। ठीक है, वो four measurement, M1, M2, M3 and M4, ठीक है, वो four measurement supply of money है। और supply of money होता क्या है, stock of money flow in the economy, in an economy, तो वो भी कौन monitor करता है, कितना मार्केट में आपकी कंट्री में कितना पैसा फ्लो कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ये सब कौन देखता है,
ये सब RBI देखता है, सेंट्रल बैंक देखता है, और ना केवल देखता है, उसके बाद वो उसके करेक्टिव स्टेप्स भी देखता है, वो देखेगा अगर इन्फ्लेशन है तो आगे आप पढ़ोगे कि वो अपनी मॉनिटरी इसमें 2 मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव, तो वो कैसे कंट्रोल करता है, वो कैसे मेजर करता है, किस तरीके के स्टेप्स उठाता है, बैंक रेट है तो उसको इंटरेस्ट को कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, कब ज़्यादातर अमाउंट पब्लिक हैंड पे होना चाहिए, कब बैंक को उससे निकालना है, तो ये सारे प्रोसेस, ये सारी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। और अभी हमने ये भी पढ़ा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल RBI करता है। अब कैसे करता है वो क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली बात, प्लेस इन बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है, सिर्फ एक ही बैंक है जो सबको कंट्रोल करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, और ये सेंट्रल बैंक जो आदेश देता है उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी कंट्रोल में कमर्शियल बैंक काम करते हैं। अब इनका मेन मोटिव होता क्या है, सेंट्रल बैंक मेन मोटिव इज़ टू ऑपरेट बैंकिंग सिस्टम इन नेशनल इंटरेस्ट, इट डज नॉट वर्क विद प्रॉफिट अर्निंग। तो जो कमर्शियल बैंक है इसका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक का मेन इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो देश की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक को मॉनिटर करते हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं। नाउ लिविंग USA where 12 central banks are working, every country has only one central bank, including India. India में भी सिर्फ एक ही central bank है, that is RBI, ठीक है। तो USA को छोड़ के USA में 12 central bank है, 12 central bank है जो कि अपनी बाकी commercial bank को monitor करते हैं, लेकिन बाकी कंट्रियों में सिर्फ एक ही है। वहीं पे a country has a number of commercial banks, ठीक है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, आपने भी देखा होगा एक्सिस, RBI एंड सो ऑन, कई सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक केवल एक होता है। ओनरशिप, इट इज़ सबॉर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो RBI है ये गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट करता है, लेकिन प्राइवेट में ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, दीज बैंक आर बेसिकली बैंक ऑफ शेयर होल्डर्स, इट मे और मे नॉट बी स्टेट ओन्ड, ठीक है। तो ये कुछ प्राइवेट भी होते हैं, और कुछ शेयर क्या होता है, हाफ पब्लिक होता है हाफ प्राइवेट होता है, इस तरीके से होते हैं। पब्लिक डीलिंग, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्पेसिफिक सिचुएशन, इट हैज़ नो डायरेक्ट डीलिंग विद पब्लिक। कमर्शियल बैंक में आप डायरेक्ट पब्लिक के कॉन्टेक्ट में आते हो, पब्लिक आपका कस्टमर होता है, पब्लिक कस्टमर आपके बैंक में आता है, अकाउंट खुलवाता है, डिपॉजिट करवाता है, लोन कर देता है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का पब्लिक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट, बैंकर, इट इज़ अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अ बैंकर टू द पब्लिक। जो कमर्शियल बैंक है वो आम लोगों का बैंक है, वो आम पब्लिक का बैंक है, लेकिन जो RBI है, सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। नोट इशू, जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है, उसका मेन राइट होता है नोट इशू करना, जो कि कमर्शियल बैंक का नहीं होता। कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकती, वो राइट केवल और केवल सेंट्रल बैंक का है। नेक्स्ट, लोन, इट इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट एंड प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर इनकैशमेंट्स ऑफ बिल। कमर्शियल बैंक, इट एक्ट्स लाइक अ कस्टमर टू सेंट्रल बैंक, ठीक है। लोन में आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि लोन में कमर्शियल बैंक आम कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है, वहीं RBI सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, और कुछ केसेस में RBI गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करता है। कॉम्पिटिशन, इट हैज़ नो कॉम्पिटिशन विद कमर्शियल बैंक। RBI अपने आप में ही सबको मॉनिटर करता है, सबको कंट्रोल करता है, तो उसका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि वो एकमात्र अकेला बैंक है, ठीक है। वहीं कमर्शियल बैंक का आपस में एक दूसरे बैंक के साथ कॉम्पिटिशन होता है, इसीलिए वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करते हैं। फॉरन एक्सचेंज, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ अ कंट्रीज फॉरन एक्सचेंज, इट कैन डील विद फॉरन एक्सचेंज ऑन द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का तो अधिकार होता है, ठीक है, वो तो इसमें करता है फॉरेन एक्सचेंज को, अगर एक्सचेंज करे फॉरेन एक्सचेंज RBI भी करता है, लेकिन अगर RBI किसी कमर्शियल बैंक को परमिशन दे दे
तभी वो बैंक फॉरेन एक्सचेंज कर पाएगा, अदरवाइज किसी भी कमर्शियल बैंक को राइट नहीं है अगर वहाँ फॉरेन एक्सचेंज वो कोई भी बैंक करता है ऑथराइज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें परमिशन सेंट्रल बैंक से मिल रखी है, एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट डिसीजंस है उसमें एज अ एडवाइज़र उन्हें एडवाइजरी दे सकती है, किस चीज़ में उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस चीज़ कितना उनको लॉस होगा, कितना उनको प्रॉफिट होगा, ये सारी नॉलेज आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है, सॉरी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक है, और ये अधिकार कमर्शियल बैंक का बिल्कुल नहीं है। कमर्शियल बैंक कभी भी गवर्नमेंट को कोई एडवाइस नहीं दे सकती, वो केवल और केवल सेंट्रल बैंक ही करती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के बाद आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है क्रेडिट कंट्रोल्स। ठीक है, इन दो टॉपिक के बाद आपका ये मनी चैप्टर खत्म है, इसके बाद आपका होगा इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर।